Hello friends, welcome back to Everstudy Classes. As you know that we are running a 5-minute series on our platform and the topic for today's discussion is customer loyalty versus customer satisfaction. इसके अलावा हमारे और भी कोर्सेज हैं नेट और JRF दिसंबर 2019 के लिए कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के जो है यूनिट स्नैपशॉट यूनिट वाइज पास्ट पेपर्स एक्सप्लेन्ड कंप्लीट टेस्ट सीरीज फुल वीडियो कोर्स एंड कॉम्बो पैकेज ऑफ ऑल आर कोर्सेज जिन्हें आप अवेल कर सकते हैं एट www.everstudy.co.in पर. कस्टमर सैटिस्फैक्शन एंड कस्टमर लॉयल्टी. इमेजिन करो कि आप एक स्टोर पर जाते हो टीवी परचेज करने के लिए और आप एक 40,000 का एक नया टीवी परचेज करके लाते हो जिससे आप काफ़ी टाइम से परचेज करना चाहते थे. किसी ने आपके हाथ में एक सर्वे दे दिया कि आपकी परचेज के बाद ये पता लगाने के लिए कि आप सैटिस्फाइड हो या नहीं, और आप सैटिस्फाइड हो क्योंकि जो टीवी आप परचेज करना चाहते थे वो आपको सही प्राइस में उस स्टोर से मिल गया है और आप जल्दी से घर जाकर उसे इंस्टॉल करना चाहते हो. नाउ इमेजिन कि इस सर्वे की जगह आपको एक दूसरा सर्वे मिलता है कि आप क्या इस स्टोर को अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करोगे. वेल, आपको आपका टीवी तो मिल गया है लेकिन सेल्स मैनेजर ने आपका काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया आपको इससे बड़ा टीवी सेल करने में. आप इस टीवी को अमेज़ॉन से भी इजीली परचेज कर सकते थे पर आपको ये टीवी अर्जेंटली चाहिए था आज का क्रिकेट मैच देखने के लिए, और जब आपके फ्रेंड्स को भी इतनी ही इमरजेंसी होगी सिर्फ तभी आप उन्हें ये स्टोर सजेस्ट करोगे. तो जो पहले वाला सर्वे था वो पास्ट मेजर कर रहा था, दैट इज़ कस्टमर सैटिस्फैक्शन, और दूसरा वाला सर्वे फ्यूचर मेजर कर रहा है, दैट इज़ कस्टमर लॉयल्टी. और ये दोनों ही सर्वेज डिफरेंट फीडबैक प्रोड्यूस करेंगे. कस्टमर सैटिस्फैक्शन एक सेंटिमेंट होता है कस्टमर का उसकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाने के बाद. इससे हमें ये पता लगता है कि कस्टमर एक्सपीरियंस उसकी एक्सपेक्टेशंस को मीट भी कर रहा है या नहीं. कस्टमर लॉयल्टी ये इंडिकेट करता है कि किस एक्सटेंट तक कंपनी के कस्टमर्स उसके प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए डिवोटेड हैं और कितनी स्ट्रांग टेंडेंसी है उनकी हमारे प्रोडक्ट्स को चूज़ करने की ओवर द कंपटीशन. व्हाई कस्टमर सैटिस्फैक्शन इजंट लॉयल्टी. कस्टमर सैटिस्फैक्शन सिर्फ कस्टमर का एटीट्यूड मेजर करता है टुवर्ड्स द लेटेस्ट इंटरेक्शन. तो जो भी हमारा लास्ट इंटरेक्शन है हमारे कस्टमर के साथ उससे हमें कस्टमर सैटिस्फैक्शन का पता लगता है. कस्टमर सैटिस्फैक्शन एक ट्रांजैक्शनल मेट्रिक है, ये परमानेंट नेचर का नहीं होता एंड इट्स ओनली वन टाइम हैप्पी फेस रिस्पॉन्स. कस्टमर सैटिस्फैक्शन एक शॉर्ट टर्म विन होती है व्हाइल कस्टमर लॉयल्टी इज़ अ लॉन्ग टर्म गोल. लॉयल कस्टमर्स हमारी कंपनी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और किसी भी बिजनेस का अल्टीमेट गोल ये होता है कि हम अपने लॉयल कस्टमर्स को मेंटेन कर सकें. मूविंग फ्रॉम सैटिस्फैक्शन टू लॉयल्टी. अभी हमने पढ़ा कि हमारी कंपनी के लिए लॉयल कस्टमर्स को क्रिएट करना ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम कैसे उन कस्टमर्स को सैटिस्फैक्शन से लॉयल्टी की तरफ मूव कर सकते हैं. इसके 3 वेज हैं एंड द फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस एफर्ट. कस्टमर जो भी हमारे साथ बिजनेस कर रहा है हमें उसकी ट्रांजैक्शंस बहुत ही ईजिली करनी है ताकि कस्टमर्स के ज़्यादा एफर्ट्स ना इन्वॉल्व हों. नेक्स्ट है इंक्रीज इंगेजमेंट. हमें सिर्फ सर्विस इंक्वायरी के लिए ही कस्टमर से बात नहीं करनी है, उनकी बाकी प्रॉब्लम्स को भी कंसिडर करना है और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश भी करनी है. नेक्स्ट है इन्वेस्ट इन लॉयल्टी प्रोग्राम्स. हमें कस्टमर्स को नेक्स्ट परचेज के लिए कुछ डिस्काउंट देना है जिससे वो हमारी कंपनी के साथ ज़्यादा टाइम तक एसोसिएटेड रहें और मोटिवेटेड रहें हमारे लॉयल कस्टमर्स बनने के लिए. आई होप आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा. ये है आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप इसे अटेम्प्ट करिए और आपके जो भी आंसर हैं उन्हें कमेंट सेक्शन में लिखिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर. इन केस ऑफ एनी क्वेरी यू कैन रीच अस एट द डिटेल्स मेंशन ऑन योर स्क्रीन. यू कैन ऑल्सो गेट द PDF ऑफ दिस वीडियो ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एंड यू कैन डाउनलोड अ फ्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर. थैंक यू.